नमस्कार, महाराष्ट्रवंच्या खुली चर्चा या कार्यक्रमात तुमचं सर्वांचं स्वागत. ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात MIM या मुस्लिम अस्मितावादी पक्षाचे राज्यात 2 आमदार आहेत. 2011 नांदेड महापालिका निवडणुकीत MIM 11 नगरसेवक निवडून आले आणि MIM एकाएकी चर्चेत आली. त्यानंतर मराठवाड्यात इकडं तिकडं एखाद दुसरा उमेदवार निवडून आला. काही ठिकाणी बऱ्याच संख्येनं नगरसेवक निवडून आले आणि MIM महाराष्ट्रामध्ये कात टाकतो आहे अशी ही चर्चा सुरू झाली. मधल्या काही काळामध्ये MIM वेगळ्या कारणानं पण चर्चेत आलं. खास करून MIM जे 2 मोठे नेते आहेत असदुद्दीन ओवेसी आणि अकबर ओवेसी यांची भडकाऊ भाषणं, प्रक्षोभक भाषणं, त्यामुळं सुद्धा महाराष्ट्रात काही ठिकाणी गुन्हेसुद्धा दाखल झाले आहेत. मुंबईमध्ये MIM 1 आमदार आहे, ते म्हणजे ॲडव्होकेट वारिस पठाण. आज आपल्या खुली चर्चामध्ये ॲडव्होकेट वारिस पठाण आहेत. खुली चर्चामध्ये तुमचं स्वागत आहे. वारिस पठाण जेव्हा निवडून आला तेव्हाच लोकांना कळलं की मुंबईत MIM उमेदवार निवडणूक लढवत होता. ती निवडणूक तुम्ही अगदी काठावर जिंकलात असंही बोललं जातं, किंबहुना ती फॅक्टच आहे की इतरांच्या जेव्हा नुकसान झालं त्यात तुमचा फायदा झाला. ये गलत बात है. देखिए, वारिस पठान क्या था, मैं एक एडवोकेट था, मेरे फादर जज थे. पॉलिटिकल मेरा कनेक्शन कुछ था नहीं है, काफ़ी पॉलिटिशियन लोग मेरे क्लाइंट्स थे लेकिन कभी मैंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था. मेरा जज बनने का टन आ रहा था. लेकिन हुआ ये कि मैं जिस वक्त हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने स्पीच किया था, मुंबई में थे उस वक्त, तो मैं था भी नहीं मुंबई में, मैं बाहर था. अब चुनाव के 15 दिन पहले मैं मुंबई में आया तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला कि यार एक MIM पार्टी आई है, वारिस भाई आप जानते हो? बोला जानता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी का मैंने इंटरव्यू देखा था, अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में सुना था कि उनने सभाएं ली थी, केसेस में थे, ये वो. बोला अच्छी पार्टी, अच्छी है, क्या है? तो बोले आप खड़े हो जाओ बाईकल्ला से. मैं बोला यार मैं बाईकल्ला छोड़ने को मुझे हो गए तकरीबन 25 साल. बचपना मेरा बाईकल्ला में था, पैदा हुआ था मदनपुरे में, वहीं रहा था, मगर शिफ्ट हुआ था मैं बैंड्रा में. मैं वहाँ रहता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, कैसा करूँगा? टाइम 15 दिन है सिर्फ और असेंबली का इलेक्शन है. बोले नहीं आप कोशिश करो वारिस भाई, सब साथ में करेंगे. तो बस 15 दिन पहले, परसों फॉर्म भरना है, आज डिसाइड किया कि ठीक है चलो मैं कंटेस्ट करता हूँ. फॉर्म भरा, डिटेल्स में भी कुछ ये आ रहा था क्योंकि पूरा प्रिपेयर नहीं थे. अब तो आप मानेंगे नहीं, स्क्रूटिनी के दिन शाम को 4 बजे मेरा फॉर्म पास हुआ. उसके बाद में आ गई हमारे यहाँ बकरी जिसको बोलते हैं, तो जो एरिया वाले लोग हैं मार्जिनलाइज एरिया में, तो हमारे जो भाई लोग वो सब तो देवनार में रहते हैं, कैंपेनिंग कैसा करेंगे? आप मानेंगे नहीं, 8 दिन पूरी कैंपेनिंग की है. 8 दिन में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने सभाएँ ली, हमने कैंपेनिंग किया, और जो वहाँ से लोगों का विश्वास हासिल हुआ, और उसमें ये हो गया कि आप जैसा कहा कि आप आए जीत गए, लोग परेशान थे दूसरी पार्टियों से. कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये था कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव पार्टी है ही नहीं. हम BJP शिवसेना को नहीं देते, कांग्रेस को दे रहे थे, समाजवादी को देते गए, मगर ये सबने सत्ता में रहे, मगर उस हलके का, उस एरिया का विकास कुछ नहीं हुआ था. और लोगों को क्या लगा, नहीं इस बार एक एजुकेटेड आदमी, और मैंने काफ़ी वहाँ पर लोगों के लिए काम किया था लॉ के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें फेवर में आई. प्लस हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने जो बातें रखी सामने, एजेंडा रखा सामने, तो पब्लिक को लगा नहीं ये सही पार्टी है, इसके साथ जाना चाहिए. और यही वजह थी कि मैं वहाँ से जीत के आया. बाकी कोई खास इसको मिरेकल तो आप बोल ही सकते, लेकिन एक पार्टी का नाम भी साथ में था जुड़ा हुआ, कुछ मेहनत थी, कुछ अपना नाम था, तो आगे निकल. वारिस भाई, तुम्ही आता बोलताना सुद्धा म्हणालात की तुम्ही तुमचा प्रेझेन्स MIM वाले नेहमी दाखवता. मार्जिनलाइज एरिया, आम्ही जेव्हा तिथं मायनॉरिटी एरिया म्हणतो, तुम्ही जाणीवपूर्वक मार्जिनलाइज एरिया म्हणता. इथूनच MIM ची सुरुवात होते. नेहमी MIM अशी कट्टर भूमिका घेतं, अस्मितावादी भूमिका घेतं. मुस्लिम अस्मितावादी असणं हे काही चुकीचं नाही आहे, प्रत्येकाला तो अधिकार आहे, पण आपला देश हा सेक्युलर आहे. इथं आपण कट्टर भूमिका घेऊन वागतो तर त्यामुळं काही लोक दुखावली सुद्धा जातात. हे बघा, तुम्ही जे बायकलला जर बघेल तुम्ही, तर त्यात जे मायनॉरिटीचे पॉप्युलेशन आहे ते फक्त 39% आहे, ओनली 39%. पण मला सगळ्यांनी वोट दिले, जितके मायनॉरिटी होते, नॉन मुस्लिम जे आमचे मित्र होते,
त्यांनाही असं वाटलं की नाही, एक ॲडव्होकेट आहे आणि आम्हाला एक न्यू फेस आहे, यामुळं आणि पार्टीचा जे एजेंडा होता ते सगळं ऐकून सगळं बघून त्यांनी मला वोट दिले. असं नाही की मला फक्त एका लोकांनी वोट दिले. तुम्ही बघा ई पीमधून, वॉर्डमधून बघा तुम्ही कोणी कोणी वोट दिले, तर तुम्हाला असं वाटेल की नाही सेक्युलरिझमची मिसाल ही आहे बायकलांनी कायम केली. त्यापैकी सगळे होते, बघा गीता गवळी जिंकली, चव्हाण साहेब होते, मधु चव्हाण दोन वेळी होते, तिच्यापूर्वी फैयाज खान म्हणून होता काँग्रेसच्या. पण ह्यावेळी असं झालं की सगळ्यांना असं वाटले की नाही आम्हाला तर आहे तर ऐसा माणूस पाहिजे जो आमच्या काम करून दाखेल. फक्त बोलण्यासाठी नाही आम्हाला वोट द्यायचे, डेव्हलपमेंट करायचे आम्हाला बायकल्लाच्या. आणि जी मुंबईची नाक आहे बायकल्ला, त्या जागेवरून सगळ्यांनी मिळून वोट दिला आणि त्याचा भरोसा होता, विश्वास होता आमच्यावर. आणि मला असं वाटतंय की मी 2 वर्षांमध्ये त्याच्या विश्वासच्या खरं उतरलो. त्याने एक विश्वास केला होता, जे जी अपेक्षा होती त्यांना माझ्याशी, ते मला असं वाटतंय की मी करून टाकले त्याला 2 वर्षांमध्ये. वारिस भाई, आता 2 वर्षात अनेकांच्या काही तक्रारी आहेत, जसं की तुम्ही राहता बांद्र्यामध्ये, बरोबर, बांद्र्यामध्ये आयकॉन रेसिडेन्सीमध्ये राहता, ज्यामध्ये सैफ अली, करीना, त्यानंतर काही बँकर, काही प्रोड्युसर, काही छोटे मोठे फिल्म स्टार्स असे राहतात, त्या आयकॉन रेसिडेन्सीमध्ये तुम्ही राहता आणि तिथून तुम्ही भायकाळाला येता. बरं, भायकाळाला येता तर कुठं जाता? मुस्लिम मोहल्ल्यातच जाता, मुस्लिम लोकांच्या कार्यक्रमांमध्येच जाता, इतरांच्या कार्यक्रमाला तुम्ही हजेरी पण लावत नाही, अशाही तक्रारी आहेत. मैं तुम्हारी बात का एक 3 मिनट के अंदर पूरा जवाब देता हूँ. वाकई में मदनपुर में पैदा हुआ. मेरा रूम था 10x12 का, इसमें बाथरूम बाहर था, टॉयलेट फैसिलिटी बाहर थी. और आपको ताज्जुब होगा कि उस वक्त मेरे पिताजी जज थे, NDPS के स्पेशल जज थे. फिर भी मैं वहाँ रहा, वहाँ पढ़ा, वहाँ से मैं लॉयर बना. अब लॉयर बनने के बाद में शादी किया और ऊपर वाला मदद किया, एक वक्त खाना खा के मैंने काम किया है. और वहाँ से आगे बढ़े तो शादी के बाद थोड़ी बड़ी जगह चाहिए रहती, बांद्रा में शिफ्ट हो गया. अब इत्तेफाक से आगे बढ़ता गया, नेवर लुकिंग बैक, ऊपर वाला साथ दिया, कृपा रही और आगे बढ़ गया. तो उसमें ये तो नहीं हुआ कि मैं बांद्रा वाला हो गया. आज भी मैं जब सर रख के ख्वाब देखता हूँ तो मुझे मेरा रूम याद आता है ख्वाब के अंदर भी. और रहा सवाल, आपने ऐसा कहा कि आप वहाँ भी जाके सिर्फ माइनॉरिटी एरिया में जाते हो, ये सबसे बड़ी गलत बात है. आप पिछले 2 साल के जितने गणेश उत्सव के फेस्टिवल थे वो देख लो, जितने नवरात्रि के फेस्टिवल वो देख लो, जितने मराठी महामंडल के फेस्टिवल उस जगह पे बहुत होते हैं, आपके स्टाफ्स में भी काफ़ी लोग हैं वहाँ के, मेरे एरिया के, हर फेस्टिवल में, हर भूमि पूजन में, हर नवरात्रि के फेस्टिवल में मैं खुद गया हूँ. उसने और लोगों ने किसी भी MLA को नहीं बुलाया था, कोई कार्यकर्ता को नहीं, लेकिन वारिस पठान को सबने बुलाया. और वीडियो है, आप देख सकते हो. तो वारिस पठान हर एक जगह गया. चर्च में देख लो आप, चर्च में गया गुड फ्राइडे के दिन, रोज़ भी दिए सबको. मेरा फ़र्ज़ है कि इन लोगों ने मेरे पर विश्वास किया, भरोसा रखा और मैं जाऊँ. तो ये जो मेरे पर एलिगेशन लगाया जा रहा है बार बार कि आप सिर्फ एक पॉकेट में गए, ये गलत है साहब. मैं हर जगह गया हूँ, हर मंदिर आप बोल दो, नवरात्रि के फेस्टिवल देख लो. और ये नहीं, ऑर्गेनाइज भी किया है, ऑर्गेनाइज भी किया है. हमारे यहाँ से लव लेन के पास से गणेश चतुर्थी में विसर्जन के लिए जाते हैं, वहाँ से आप देखो कैमरे के अंदर MIM का था पूरा पानी का काउंटर. तो मैं सबके लिए कर रहा हूँ. हमारी पार्टी ने सेक्युलरिज्म की मिसाल कायम किए साहब. 59 कैंडिडेट अभी हमने उतारी है BMC इलेक्शन में. नहीं, वो तो अलग मुद्दा है, उस वो अलग बात है. ठीक है, उस मुद्दे पे आइए, पहले MIM पे से निपटेंगे. MIM पे जाएंगे, ठीक है. अभी विधानसभा में क्या हो रहा है जी, मैं मेरी फ्रैंक ओपिनियन दे रहा हूँ. MIM की 2-man army है. एक इम्तियाज जलील जो हमारा ही भाई था, यानी पहले पत्रकार था के साथ, अभी औरंगाबाद से आमदार है, और आप हैं. तो मैं मराठी में बात करता हूँ. तो आप दो जने आमदार है, 2 आमदार है MIM चे, आणि दोघही विधानसभेमध्ये सिविक विषयावरती लढताना दिसतात. त्यामुळे अनेकांना असं वाटतं की MIM तर हा कट्टर जातीयवादी पक्ष आहे. मग याचे जे 2 आमदार उच्च शिक्षित आहेत ते सर्व वेगवेगळ्या विषयांवरती इथं प्रश्न उपस्थित करतात. त्यामुळं मनसेची जागा MIM विधानसभेत घेतली असं समीकरण तयार झालं. तर विधानसभेमध्ये आता गेल्या 2.5 वर्ष झाले तुम्ही दोघंही आहात, बरोबर, तर विधानसभेसाठी तुम्ही काही खास प्रिपरेशन केले होते दोन्ही आमदारांनी, म्हणजे इम्तियाज जलील औरंगाबादचे आमदार आणि वारिस पठाण हे मुंबई भायखळ्याचे आमदार? इलेक्शनच्या पूर्वी 2014 ज्यावेळी त्या पार्टीने सर्वे केला होता,
महाराष्ट्रांच्या, औरंगाबाद असो मुंबई असो, तर सर्वमध्ये काय पाहिला होता की या डेव्हलपमेंट नाही केला आहे कोणी. सगळे सत्तामध्ये आले, काँग्रेस होती, राष्ट्रवादी होती, 15 वर्ष ते लोक सत्तामध्ये होते. त्याच्यानंतर कॉर्पोरेशनमध्ये भाजप आणि शिवसेना होती. पण आपण बघा, मुंबईचा विकास किंवा औरंगाबादमध्ये काही असा काम नाही केला होता ज्या लोक प्रशंसा करेल. हम लोगों ने क्या किया था कि जब हमारा एजेंडा था कि अगर हम जीत के आएंगे तो ये जो चीज़ें हैं, म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स की जो हालत ख़राब है, काफ़ी म्यूनसिपल स्कूल्स बंद थी, रास्ते खराब थे, तो हमारा एजेंडा ये था कि लोगों को विश्वास कब आएगा तुम पे, जब आप लोगों की सुविधा का काम सबसे पहला करेंगे. तो हमने सबसे पहला ये किया कि लोगों की सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाओ. जैसा आप देखोगे भाईकरला के अंदर जो सबसे बड़ा मसला था वो डायलेपेटेड बिल्डिंग्स का था. 70 साल 80 साल पुरानी बिल्डिंग है. गवर्नमेंट ने फंडिंग के लिए 3 लाख रुपया रखा था कि 3 लाख रुपया हम फंड देंगे रिपेयर के लिए. लेकिन आप बताइए साहब, मुंबई में क्या 3 लाख रुपये के अंदर बिल्डिंग का रिपेयर हो सकता है? नहीं हो सकता है. तो हमने गवर्नमेंट को कहा कि आप 3 लाख से बढ़ा के 10 लाख पे ले जाओ. ई टेंडरिंग का प्रोसेस को आप ख़त्म करो ताकि कॉन्ट्रैक्टर आगे आके काम करे. वो हमने लाया. उसके बाद में हमने रिजर्वेशन, जो कांग्रेस ने जाते जाते ऑर्डिनेंस दिया था, उस पर सबसे बड़ी आवाज़ उठाई. फिर हमारे पास वक्फ बोर्ड का मैटर था, वक्फ प्रॉपर्टी का था, जो इतने साल से माइनॉरिटी वाले सब थे सत्ता में, कांग्रेस के आरिफ नसीम खान थे, सब थे, मगर इन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टियों का, जो ऊपर वाले की प्रॉपर्टी है, गरीबों की प्रॉपर्टी, ऑर्फन्स की प्रॉपर्टी, यतीम की है, इन लोगों ने उस प्रॉपर्टी को बेच डाला. तो हमने लोगों को कहा था कि हम लोग जीत के आएंगे तो इस प्रॉपर्टी को हासिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. और हमने एग्जाम्पल भी सेट किया. औरंगाबाद में एक वफ की ज़मीन पे इल्लीगल कब्जा था, वहाँ पर हमारे कॉर्पोरेटर्स जब चुन के गए, आमदार जब गए, इम्तियाज़ जलील साहब, उन लोगों ने उस जगह को खाली कराया. और हमने एजेंडा में हमारे कि हम वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, यतीमों का जो हक है, फिर चाहे अंबानी का हो, अंटालिया हो या कोई भी हो, हम लोग लड़ेंगे, लीगली कानूनी लड़के वो प्रॉपर्टी भी हम लेंगे. तो ये सब हमारे मुद्दे थे सब चुनाव के बोला. उनको हम लोग ने एक 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 करके अब कंप्लीशन पे आ रहा है. सब 2 साल हुआ है, 1 MLA है मुंबई में, कोई कॉर्पोरेटर नहीं है. हुआ ये कि जब लोकल्स कॉर्पोरेटर्स के पास गए कि हमारे यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, ये तो उन लोगों ने क्या कहा उनको, आपने MIM को वोट दिया ना, जाओ वारिस पठान के पास जाओ, वो काम करेगा. तो आप देख लीजिए, आपके अखबार में भी आया था, मैं खुद वहाँ खड़ा था BMC कर्मचारियों के साथ, और पूरे नाले, गटर, हाउस, गलियाँ ये साफ कराने का भी काम MLA ने किया MIM के, क्योंकि कॉर्पोरेटर्स ने बोल दिया MIM के पास जाओ. तो पार्टी के साथ जो मोहब्बत आ रही है लोगों की, और जब हम लोग सिविक मैटर्स उठाते हैं असेंबली में, वो ये सब चीज़ देख के उठाते हैं. ये सारे इश्यूज़ को आप देख लो, हमारे पहले के जो MLA थे, रिकॉर्ड निकाल लो, RTI आप मार के निकाल सकते हो, कितने क्वेश्चन किया उनने, और जीत के आने के बाद हमने कितने क्वेश्चन किए. इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो रैम्पन चल रहा है भाईकल्ला, मुंबा देवी, साउथ मुंबई में, माले पे माले ठोके जा रहे, सब खामोश बैठे थे. मगर वाहिद MLA था, MLA वारिस पठान, जिसने आवाज़ उठाया कि SIT गठन किया जाए. जितने ही इल्लीगल कंस्ट्रक्शन मुंबई के आसपास हो रहे हैं, मुंबई में हो रहे हैं, उनकी पूरी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि कांग्रेस ने उनको कुछ कंसेशंस दिए थे. कांग्रेस के टाइम पर थोड़े कंसेशंस थे, अभी भी दिए. वो कंसेशंस का पूरा दुरुपयोग हुआ है वहाँ पर. बिल्डिंगों के नाम के साथ असेंबली में सवाल उठाया. आपके जो मिनिस्टर साहब थे रंजीत पाटिल साहब, उन्होंने खड़े होकर कहा कि ठीक है, हम इस पर चौकसी करेंगे. मगर अफसोस की बात यह कि आज 1 बरस हो गया, उसके बाद में नागपुर असेंबली में उठाया, मगर अब तक सरकार ने कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए. इसकी वजह से नुकसान किसका है? गरीब लोग जो पुरानी बिल्डिंग में रह रहे उनके यहाँ पुराना वाटर पाइप जा रहा है कनेक्शन का. नया बिल्डिंग आ गया, बड़ा गेज का पाइप उसने ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि टावर में तो पानी ज़्यादा ही जाएगा. पानी की किल्लत हो गई, बिल्डिंग तो बड़ी बन गई मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बने, पार्किंग बढ़ गई, रास्ते पे ट्रैफिक बढ़ गई. ये सब चीज़ को अगर रोकना था सरकार को, तो हमने बोला कि आप इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को रोक लगाओ, तो ये सारे जो मिनेस है आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे. ये सब चीज़ें उठाई और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है सर. ठीक है, तुम्ही आता म्हणालात की तुमच्या हलक्याचा विकास कसा करायचा, हे मॉडेल तुम्ही आता सांगताय, बरोबर आहे. पण MIM हा पक्ष म्हटला की एक जनरल नोशन आहे, ती तुम्हाला सांगतो. हा हे जे विकासाचं राजकारण तुम्ही म्हणताय, हे सेकंड सीट घेतं आणि त्यानंतर तुम्ही जसं म्हणालात आपला देश सेक्युलर आहे, पण मग हे आयडेंटिटी पॉलिटिक्स का?
मग हे ध्रुवीकरणाचं राजकारण का? कारण आज एम आय एमला एक ध्रुवीकरणाचं राजकारण करणारा पक्ष म्हणून सगळ्यात पहिल्यांदा बघितलं जातं. मग हा तुम्ही तुमचं हे अपयश मानता का? तुमचं हे जे विकासाचं विजन आहे हे यापुढे कोणाकडे गेलंच नाही आहे. पण तुमचे नेते जी भडकाऊ भाषणं करतात, ज्याच्यावरून तुमच्यावर ज्या केसेस झालेल्या आहेत नेत्यांवरसुद्धा, यामुळे हे मग तुमचं सगळ्यात मोठं अपयश आहे का एम आय एम या पक्षाचं आणि तुम्हा आमदारांचं तुम्हा नेत्यांचं? यही जो इल्ज़ाम है कि हमको इस तरह का आइडेंटिटिकल माना जाता है, सेक्युलर नहीं माना जाता है, सरासर झूठा और गलत इल्ज़ाम आता है कि हम वोट काटते हैं, टोटल फॉल्स एलिगेशन है. क्योंकि मैं आपको उसका जवाब देता हूँ. 2014 का चुनाव जब महाराष्ट्र में हम लोग लड़े तो पूरे महाराष्ट्र में एम आई एम ने 24 कैंडिडेट को खड़ा किया था, 24 कैंडिडेट में. और जो हिसाब से माइनॉरिटी के वोट जो गिरे वो थे 61 लाख. एम आई एम ने 24 कैंडिडेट ने 5.25 लाख वोट लिया, 55 लाख वोट कहाँ गए? अगर ये एलिगेशन होता कि नहीं हम लोग सेक्युलर नहीं है, हम ये नहीं है, ये साहब 55 लाख वो वोटर है जो पिछले सत्ता में जो रह चुके हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, इनके अगेंस्ट थे, इनसे इनको गुस्सा था, इन्होंने डेवलपमेंट का काम नहीं किया, तो हमने 5.25 लाख वोट दिया और 55 लाख वोट दूसरी जगह गए ना. 55 लाख वोट गए कहाँ? सवाल तो सबसे बड़ा ये, क्यों दूसरी पार्टियों को नहीं लिया? और यही एलिगेशन हर तरफ है. हमने सीमांचल पे एक छोटी जगह लड़ा, बिहार में 6 सीट पे, क्यों बीजेपी पूरा साफ हो गया? हम लोग दिल्ली में नहीं लड़े, झारखंड में नहीं लड़े, कश्मीर में नहीं लड़े, क्यों साफ हो गया पूरा के पूरा कांग्रेस हर जगह? तो साहब ये जो एलिगेशन है ना कि एम आई एम एक कट्टरवादी, सरासर गलत बात है. और आपने जो कहा कि केसेस हुए, बांद्रा में बाई इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में 24 जगह पे इलेक्शन लड़े, उसके बाद में बांद्रा ईस्ट में बाई इलेक्शन हुआ, 14 सभाएं यहाँ पे हुई पूरे महाराष्ट्र में, तकरीबन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की और असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोर देन 30 सभाएं हुई. इलेक्शन कमिश्नर तो इलेक्शन लड़ा रहा था, एक भी हमको ना नोटिस आई ना हम पे केस बुक हुआ. क्यों? अगर हम भड़काऊ भाषण देते हैं चुनाव में तो हमको नोटिस मिलता, हम पे केस बुक होता, लेकिन नहीं हुआ. तो सब ये ऑपोजिशन की बौखलावट का जो है ना कि नहीं एम आई एम आइए वोट काटने, एम आई एम आइए कम्युनल बात करने, ये सरासर गलत है. और मैं आपको इसके रीजनिंग के साथ बता रहा हूँ, एक भी केस नहीं हुआ हम पे. एक दूसरा एलिगेशन ऐसा भी है और ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इलेक्शन में एम आई एम मैनेज होती है, ऐसा एलिगेशन है. जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर एक बात कह रहा हूँ, बीड शहरामध्ये मुस्लिम पॉप्युलेशन सर्वात जास्त आहे, असं असतानाही तुम्ही जयदत्त क्षीरसागरांसमोर 2014 एम आय एमचा उमेदवार दिला नाही. वास्तविक पाहता स्थानिक पातळीवरनं एम आय एमनं उमेदवार द्यावा, इथं निवडून येतो तो हे सांगितलं गेलं, तरीसुद्धा काय झालं माहीत नाही. हैदराबादवरून निरोप आला की बीडमध्ये एम आय एमचा उमेदवार द्यायचा नाही आणि बीडमध्ये उमेदवार दिला गेला नाही. आज जयदत्त क्षीरसागर सहज निवडून आले. नाही, मला असं वाटतंय की आमचा उमेदवार होता कारण की मी स्वतः गेला होता बीडमध्ये, मी सभा केली होती. अच्छा, महाराष्ट्राच्या जे निवडणूक होता, तुम्ही या नगर परिषद नगरपालिकाचा चुनाव होता याची बात करता ना, महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे आम्ही दिले, सगळीकडे आमचे उमेदवार होते आणि त्यापैकी आम्हाला 64 जागेवर विजय मिळाली. 64 आमचे कॉर्पोरेटर जिंकून आले ना महाराष्ट्रामधूनही, तिथेही आमच्या होता. पण जे ॲलिगेशन जे लावतात ते उमेदवार नाही दिले, येथे बघा काय होतं आहे की पार्टीचे जे लोक आहेत ते सर्वे करतात, 2 सर्वे होतात, 3 सर्वे होतात. सर्वेमध्ये काय होतं, ते लोक जगा जगावर एरिया एरियामध्ये जातात, लोकांना पूछता की ही कॅन्डिडेट आहे, तुम्हाला काय वाटते, याच्या होणार इतका आपला पर्सेंटेज जो वोट आहे, इतका वोट गिरणार, लास्ट इयर इतके वोट होते, यावेळी इतके वोट पडणार का, लोक टाकणार. तर ते सर्वे सगळं करून जे लोकांच्या मनामध्ये आतात की नाही ही प्रॉपर आहे पर्सन, ही वॉर्डवर लढायचे, ते आम्ही पाठवतात हैदराबादला. आमचे जे वरिष्ठ नेते आहे, लीडर्स जे आहे पार्टीचे, पार्टी डिसिजन घेतात इथे लढायचे की नाही, इथे लढायचे की नाही, आणि त्या निर्णयावर, त्या आधारावर आम्ही इथे कॅन्डिडेटला सिलेक्ट करून त्याला चुनावमध्ये उतारतात. दुसरा ॲलिगेशन ये भी है, ये भी सुन लो, ॲलिगेशन सुन लो, एक दूसरा एलिगेशन ये भी है. आज उल्टा हो रहा है, आप मरा हिंदी में बोल रहे हैं, मराठी में बोल रहा हूँ. ये भी एलिगेशन है, मराठी में नहीं बोलता है, महाराष्ट्र में रहता है, मराठी में गुण नहीं पण वान लागला, मुंबई बोलता है, गुण नहीं पण वान लागला तसं झालं. अच्छा ऐका, एक आणखी एक एलिगेशन है, ते असं आहे की एम आय एम मध्ये लोकशाही नाही आहे, जे काय आहे ते हैदराबादमधून ठरतं आणि त्यामुळेसुद्धा एम आय एम पक्ष संघटना म्हणून वाढत नाही आहे. देखो मैं आपको जवाब देता हूँ इसका. चुन के आते हैं,
बराबर है, मैं आपको संगठना नहीं बढ़ती संगठन का, मैं आपको बता दूं एमआईएम जो पार्टी हैदराबाद की है ओरिजिनल, सही बात है, 57 ईयर से वहाँ पे थे प्रेसिडेंट हमारे, जो अभी पार्टी के प्रेसिडेंट है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, ये दो टर्म एमएलए रह चुके, दो टर्म एमपी है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो उनके ब्रदर है फ्लोर लीडर जो है, फोर्थ टर्म एमएलए, हमारे 7 MLA है, 40 कॉरपोरेटर है हैदराबाद में, संगठन बड़ा है। अब पार्टी, हर पार्टी का ये अरमान होता है कि हम फैले, जो अपन ने हैदराबाद में एजेंडा किया, हॉस्पिटल बनाए, बीएमसी स्कूल्स बनाई, स्कूल्स बड़ी बड़ी बनाई, ओवेजी स्कूल्स ऑफ एक्सलेंस, मेडिकल कॉलेज सब, तो वही हमको करना है महाराष्ट्र में। अब पार्टी ने एक एजेंडा लेके महाराष्ट्र में आई, नांदेड से अपन शुरू किए, लड़े वहाँ से, औरंगाबाद आए, मुंबई को आए, यहाँ पर जीते, तो फैल ही रही है पार्टी। अब जो होता ही है कि यहाँ सब नए नए, अभी सवा दो साल हुआ साहब मुझे भी इसमें आने के लिए, मगर सियासत तो सीख जाता है आदमी, आपके तो नस नस में है, नस नस में तो देखो दो चीज तो मुझे नहीं सीखना है, एक तो भाईगिरी और एक कानून, क्योंकि जिंदगी भर क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस किया है, तो कानून नहीं सीखना और भाईगिरी नहीं सीखना है, बाकी सियासत ऑटोमेटिक आ जाती है देख के। तो वो लोग यहाँ आए तो उनकी जो टीम्स है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ की लोकल बॉडीज के साथ में क्लब किया, क्लब करने के बाद पूरा सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद में जैसा मैंने आपको बताया कि ये कैंडिडेट ये वार्ड से लड़ना चाहिए, पार्टी डिसाइड करके करती है। तो वहाँ और यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है, अभी ऐसा ही कॉम्बिनेशन यूपी में भी, बिहार में भी, जहाँ जहाँ लड़ेगा तो संगठन आगे बढ़ेगा ना। अगर आज ऑल इंडिया अन्ना डीएमके को आप बोलोगे कि तू महाराष्ट्र से इलेक्शन लड़, तो उनको तो संगठन वहाँ पे, मगर यहाँ के लोकल बॉडी के साथ मिलके ही कर सकते हैं साहब, तो हम लोग भी कर रहे हैं, मगर हम नहीं गया तो बोले एमआईएम का फैसला हैदराबाद से होता है, वाकई में प्रेसिडेंट हमारे वहाँ है, फ्लोर लीडर वहाँ है, जो फैसला करते हैं मानते हैं, मगर मिलजुल के ओपिनियन होता है, सर्वे के बाद में फैसला लिया जाता है। दोनों भाई इतने लिबरल हैं आपको लगता है? उनसे लिबरल कोई हिंदुस्तान में नहीं है, दोनों भाई से बड़ा ओरेटर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है, और दोनों भाई आज जो है मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ माइनॉरिटी की नहीं सबकी जुबान बताता हूँ, आज हम लोग सब बैठ के बात करते हैं डीमोनिटाइजेशन हो गया, कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया देश का, ये हम लोग सिर्फ आपस में नाके पे और घर में बात करते हैं, मगर ये लोग वो है जो हमारी बात को स्टेज पे लाके पूरी दुनिया के सामने सुनाते हैं, ये हिम्मत की बात है साहब, ये लोगों की आवाज़ है, ये लोगों की जुबान है, तो आज लोग चाहते हैं, आप देखो हमारी रैलीज में आप आओ, आज 5वीं रैली है अकबरुद्दीन ओवैसी की, 5 दिन में क्राउड कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है, डबल ट्रिपल बढ़ रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, आपके टीवी चैनल वाले चला रहे हैं, लोगों के फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, तो कहीं ना कहीं तो लोगों को भी समझ आया ना, लोग समझदार है, आपसे मेरे से ज्यादा समझदार जनता है साहब, प्रचार सभांमध्ये येणारे मतदान करतात असं नाही, महाराष्ट्राने या आधी हे अनुभवलेलं आहे, उदाहरण ताजी आहेत, आम्ही पैसे देऊन संवाद नाही बोलवता दुसऱ्या पार्टीसाठी, आमचे जे लोक आहे स्थानिक निवासी मूळ निवासी ज्यांना तुम्ही म्हणतात ते लोक येऊन आमची सभामध्ये हिस्सा घेतात, साहेब तुम्ही या बघा, तुम्ही लोक येतात कॅमेरा घेऊन फक्त तिथे उभा राहतात, तुम्ही ते दाखवा ना पब्लिकला, किती पब्लिक आहे तेही दाखवा, तर तुम्हाला अंदाज आहे की काय चाललं आहे ते, लोकांना असं वाटतंय की नाही आमची आवाज म्हणून एमआयएम उभारली आहे। ठीक आहे चालेल सर, आत्ता तुम्ही एक हैदराबादचा उल्लेख केला, पक्षाचे दोन चेहरे आहेत, एक हैदराबाद एक महाराष्ट्र, असं मी थोडक्यात म्हणजे इथं मुद्दा मांडण्यासाठी घराजवळ होतो की वारंवार पक्ष प्रमुख किंवा पक्षाचे वरिष्ठ नेते हैदराबादचा उल्लेख करतात, आम्ही हैदराबादमध्ये असं केलं, आम्ही हैदराबादमध्ये तसं केलं, महाराष्ट्रात येऊन पाटीला 2009 आलेले आहेत, 7-8 जवळपास होत आहेत, हैदराबादमध्ये तुम्ही हे केलं, हैदराबादमध्ये ते केले, हॉस्पिटल बांधले, शाळा बांधले, कॉलेज बांधले, हे सगळे केले, पण महाराष्ट्रामध्ये ते का केलं नाही तुम्ही? मग दुसरी गोष्ट, हैदराबादमध्ये पार्टीचा चेहरा वेगळा आहे, महाराष्ट्रात वेगळा काय आहे, हा एक मुद्दा, आणि पार्टीचे तुमचे नेते सांसद असदुद्दीन ओवैसी हे पार्लमेंटमध्ये वेगळे असतात चेहरा त्यांचा, आणि प्रत्यक्ष प्रचार रॅलीमध्ये किंवा वास्तवात वावरताना वेगळा चेहरा असतो, हा एक माझा प्रश्न। दुसरा प्रश्न असा आहे की 2009 मजलिस अर्थात की पक्ष तुमचा खूप वाढतो आहे, पक्षाचे नवीन तरुण चेहरे जोडले जात आहेत, पण हे चेहरे या चेहऱ्याला मागच्या 20-25 वर्षापासून बाकीच्या पक्षांनी वापरलेला आहे, तिथून ते नैराश्य होऊन म्हणजे खूप निराश होऊन तुमच्याकडे आलेले आहेत, मग त्यांच्या मनातही अशी भीती आहे की आम्ही इथंही गंडवले जाऊ नये, तुमच्या चेहऱ्याचा म्हणजे काय पक्षाचा एक वेगळा काही एजेंडा नाही आहे किंवा वेगळा काही म्हणजे कार्यक्रम नाही आहे, तरुणांना असं वाटतं की आम्ही इथंही गंडवले जाऊ, काँग्रेस राष्ट्रवादीने आम्हाला गंडवलेले, BJP गंडवते तर आहे, आता MIY गंडवेल, म्हणजे तरुणांच्या मनात अशी भीती आहे। 4-5 क्वेश्चन है, बहुत कंपाउंड क्वेश्चन है, तो हाँ मैं स्लो स्लो जवाब देता हूँ। पहले तो आपका सवाल कि आप ये बोलते हो हैदराबाद में ये किया, कॉम्प्लेक्स है, हैदराबाद में ये किया वो, या
हम लोग लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जब पार्टी हैदराबाद में इतने कॉरपोरेटर है, इतने MLA MP है, तो हमने क्या काम किया। अभी ओवेजी स्कूल ऑफ मेडिकल कॉलेज, ओवेजी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, ओवेजी हॉस्पिटल्स, ओवेजी डिग्री कॉलेज, मतलब ये जितनी भी स्कूल है इसमें मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर हम लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। हॉस्पिटल जो है ओवेजी हॉस्पिटल, आप देखो लीलावती से बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में आप 30 रुपया दो, एक कार्ड निकाल लो, 3 महीने तक पूरे हॉस्पिटल में कोई भी डिपार्टमेंट में आप जाओ, इलाज पूरा मुफ्त। तो पार्टी के प्रेसिडेंट और पार्टी का एक ये अरमान था, एक उम्मीद रहती है इंसान को कि हम लोग यही फॉर्मूला महाराष्ट्र में देंगे। क्यों नहीं दे सकते महाराष्ट्र में, यहाँ भी तो लोग हैं, यहाँ भी लोग परेशान हैं, यहाँ भी सत्ता में बैठ के लोगों ने काम नहीं किया, तो वो फॉर्मूला को इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ करेंगे। अगर हमारे कॉर्पोरेटर जीत के आएंगे, MLA जीत के आएंगे, तो ये बात करने के लिए हम लोग वहाँ का एग्जाम्पल देते हैं। और वाकई में आज भिवंडी में स्कूल के लिए जगह लिया, नांदेड़ में स्कूल के लिए जगह लिया, औरंगाबाद में जगह लिया, और भाईकल्ला के अंदर भी हमारी बात चालू है। हुआ क्या साहब, भाईकल्ला के लिए, मुंबई के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, हमने म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर लिखा कि जितनी भी आपके पास म्यूनसिपल स्कूल्स बंद है, हॉस्पिटल्स बंद है, आप नहीं चला सकते हो, हमको तो हमारे पास लाइसेंस है, स्टाफ है, आपका जो भी होता है ईयरली जो टेनेंसी राइट आप ले लो, रेंट ले लो, हम चलाएंगे क्योंकि हमारा लाइसेंस है, हम इस स्कूल को फ्री में चलाएंगे। ये हमने मांग किया, हमने मांग किया, मगर दूसरे जो सियासतदार थे उन्होंने जाके एक स्कूल के अंदर, एक हॉस्पिटल में इनॉग्रेशन भी कर दिया। अरे भाई तुम्हारे पास ऑर्डर है क्या है? कुछ नहीं। उनको ये पता चला कि आचार संहिता के पहले ये हॉस्पिटल खुल जाने वाला है, उन्होंने जाके, दूसरा कॉर्पोरेटर को पता चला ऐसा, उसने एक घंटे के बाद उसने इनॉग्रेशन कर दिया। मैं चाहता तो भी बड़ा मॉब लेके इनॉग्रेशन कर सकता था, मगर लोगों को सुविधा देने के लिए हॉस्पिटल है खोलो, मगर MIM ने चालू किया। जितनी भी आज भी मैं बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आज भी हमारा डिमांड है कि आपको लगता है ये स्कूल बंद है चलाना है, MIM को दो, हम चलाएंगे, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हॉस्पिटल बंद है, MIM को दो, हम चलाएंगे वहाँ पे, और जो फॉर्मूला हमने हैदराबाद में लिया है सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज करके लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। या मुद्दा माजा आक्षेप है, बोला आप ध्यान से सुनिए। हाँ, जितनी भी मुस्लिम फिलान्थ्रोफिक, जिसको हम मराठी में औदार्यपूर्ण ट्रस्ट असं म्हणतो, विश्वस्त, ये यही फार्मूले पे अपने ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। आप सिर्फ MIM ही ये कर रहा है ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मुस्लिम ट्रस्ट ये चैरिटी पसंद लोग हैं, वो इसी फार्मूले पे ना नफा ना नुकसान इसी इक्वेशन पे वो चलाते हैं। कितने दिखाऊं मैं आपको कि सब फिलान्थ्रोपी में आगे है, मुस्लिम हो क्रिश्चियंस हो, राइट, तो आपकी पार्टी ये करती, आप ऐसा मत बोलो। अभी उसका दूसरा जो प्रश्न था, क्यों दो चेहरे वाली पार्टी है, दो चेहरे वाली, मैं और एक बताता हूँ, उसका जवाब दीजिए। नीट का जो एग्जाम होता है, NEET नीट का जो एग्जाम होता है, हर लैंग्वेज में होता है, उर्दू में क्यों नहीं होता है? तो हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी असेंबली में उठाया कि पूरे ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है वो, तो हर जगह हर स्टेट में नीट का भी जो एग्जाम है वो उर्दू में हो, और देखना सरकार अभी मानेगी और उर्दू में भी करेगी। हमने इसीलिए कहा था कि उर्दू भवन जैसा मराठी भवन है, उर्दू भवन बनना चाहिए। तो हमारे लीडर ने स्टेज से कहा है कि हम अगर जीत के आए तो कोशिश करेंगे, कोशिश करना इंसान का फर्ज है, कि मदनपुरा के अंदर भी हम उर्दू भवन बनाएंगे। तो क्या गलत है अगर एजुकेशन के लिए आगे कोई बढ़ता है? देखो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट नहीं, ओवेजी स्कूल ऑफ और ओवेजी हॉस्पिटल जो है, ये आप खाली जाके देखिए और दूसरे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को देखिए, ये किस लेवल पे, किस तरह का वहाँ पे इलाज होता है, किस तरह का एजुकेशन दिया जाता है, सब ये देखने जैसी चीज़ है। आप लोग जाके देखिए, आपको मैं टिकट देता हूँ, मेरे साथ हैदराबाद चलो एक बार, आप आके देखोगे तो आपको समझ में आएगा वारिस भाई वाकई के अंदर आप कुछ काम कर रहे हो। और अगर यही फॉर्मूला आपने महाराष्ट्र में डाल दिया तो महाराष्ट्र आगे बढ़ जाएगा। जब प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूं जो भी सत्ता में है, कि हमको भी ज़मीनें दो, हम मांग रहे हैं, ऐसे हॉस्पिटल दो, स्कूल दो, हमको चलाना है, लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना है, मगर खाली जुमलेबाजी मत करो, हम प्रैक्टिकलिटी में मानते हैं, हमारा विश्वास है। आपने रैली देखा? भाषण आपने बघितले? त्यांनी असदुद्दीन ओवैसींनी मुंबई महाराष्ट्र मध्ये बहुतेक मला वाटते 40 से ज्यादा रैली किया, 40 से ज्यादा रैली किया देश भर में, बिहार में किए, यूपी में किए, कर्नाटक में किए, एक भी केस उन पे बुक हुआ क्या? उल्टा आगे रैली के बाद में आप ट्विटर के ऊपर अगर जाके महाराष्ट्र में हुआ ना केस,
असदुद्दीन ओवैसी की आपने बात किया, अकबरुद्दीन तुमचे नेते म्हणजे नॉर्मली हा तुम मी मगाशी पण तुम्हाला हाच प्रश्न विचारलेला। अच्छा सुनो, बिहार में किया, यूपी में किया, महाराष्ट्र में किया, अभी मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में 2000 चुनाव के टाइम तो 40 रैली किए, बाय इलेक्शन के अंदर 14 रैली बांद्रा ईस्ट में किए, दोनों भाई ने ओवैसी ब्रदर्स, किधर एक भी केस बुक हुआ। और आज यूपी में एवरी डे पिछले 6 महीने से रोज रैली हो रही है, पब्लिक सभा है जिसमें लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, मगर वहां पर भी एक भी रैली में किसी ने हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट किया है, केस किया, तो आप मेरे को बताओ, मैं आपके सामने बैठा हूं। और मैं आपको बताऊं दूसरी चीज, आप ट्विटर नहीं चेक करते हो, आप स्टडी कम करते हो, ट्विटर पे आप रैली के बाद में चेक करेंगे तो लोग बोलते हैं कि वाकई में सेक्युलर बात है। कि सोशल मीडियावरचा जो आपण इम्पॅक्ट जो इव्हॅल्युएट करतो ना त्याचे वेगवेगळी परिमाण आहेत, आणि त्यामुळे सोशल मीडियाचा सगळा इम्पॅक्ट हा मतांमध्ये उतरेल असंही काही नाही, त्याच्यामुळे हे पण आपण विचार करायला पाहिजे। दुसरी गोष्ट, एक साधं उदाहरण ते म्हणजे फतव्यांवरून सुद्धा अकबरुद्दीन ओवैसी यांच्यावर कारवाई झाली होती, तस्लिमा नसरीन असतील किंवा इतर जे असतील काही फतवे काढले गेले असे तुमच्यावर आरोप झाले, अकबरुद्दीन ओवैसी यांच्यावर केसेस झालेले आहेत, मग हे का? म्हणून मी तुम्हाला पहिला पण प्रश्न तोच विचारलेला की ती हां मग हे आयडेंटिटी पॉलिटिक्स नाही तर काय? छोटा भाई होता, छोटा ज्यादा भडकाऊ बोलता है, कोई भड़काऊ नहीं बोलता, यही तो आप लोग का हुआ है। देखो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे 2012 के साथ में, मेरे को याद, साथ में एक केस हुआ। अभी इतने लोग तो गड़िया बोलो, मोहन भागवत बोलो, प्रज्ञा बोलो, इतने लोग भाषण देते हैं, अरेस्ट नहीं होते, मगर अकबरुद्दीन ओवैसी पे जब केस हुआ तो अकबरुद्दीन ओवैसी लंदन से अपना इलाज छोड़ के मुंबई हैदराबाद को आए, हैदराबाद में गए कोर्ट के सामने अपने आप को पेश किए, जेल में रहे 40 दिन, बेल पे बाहर आए, और आज उनके खिलाफ वो केस पेंडिंग है। तो कोई सिर मोहन भगवत कभी गया अंदर? कभी तोगड़िया को इस तरह से आपने डाला अंदर? कभी वो महाराज साक्षी महाराज इतनी बात बोलता है कभी किया? कल रात को मोहन भगवत ने क्या कर दिया? जितने भी लोग देश में पैदा हुए हैं सब हिंदू है, कहाँ लिखा है संविधान में बताओ मेरे को? का उसके खिलाफ किया नहीं किया? आरएसएसला उत्तर एमआयएम आहे का? मग जे आरएसएस करते तुम्ही म्हणता की आरएसएस ध्रुवीकरणाचं राजकारण करते, बीजेपी जितके ये गोवलकर सावरकर जी जे आयडियोलॉजी वाले आहे, हमारी लड़ाई उनसे, हमारी लड़ाई हमारे हिंदू भाइयों से नहीं है, हमारी नाराजगी हमारे हिंदू भाइयों से नहीं है, हमारी नाराजगी वो मानसिकता से है जो आरएसएस बजरंग दल भाजपा की आइडियोलॉजी है, उससे लड़ाई है हमारी। त्याच मुद्द्यावर विचारतो, जर तुम्ही म्हणता की आरएसएस ध्रुवीकरणाचं राजकारण करता आणि तुमची जर लढाई आरएसएसशी असेल, जर तुम्ही सुद्धा त्याच पावलावर पाऊन ठेवून गेलात, तर मग आरएसएस आणि एमआयएम मध्ये फरक काय? बहुत फरक है। आरएसएस सिर्फ कॉम्युनल कॉम्युनल कॉम्युनल, एमआयएम ओनली डेवलपमेंट 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 सबके लिए। ये आप बोल रहे हैं, हमारे लीडर बोलते हैं, हमारा एजेंडा है, हमारा मैनिफेस्टो है, हर चीज ये ओनली डेवलपमेंट of the people who have been deprived for so long, socially, economically backward. अरे सरकार क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। तीन तीन कमेटी का रिपोर्ट था, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, कुंडू कमेटी, हर रिपोर्ट ने क्या बोला था कि महाराष्ट्र के अंदर जो माइनॉरिटी है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बोला था। कांग्रेस राष्ट्रवादी सत्ता में थे, आप जिनको सेक्युलर बोल रहे हो ना, मैं उनकी बात बताता हूँ, सत्ता में थे 15 साल तक, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट 1.5 साल पृथ्वीराज चव्हाण के टेबल पे पड़ा था, क्यों रिजर्वेशन नहीं दिया? दिया जाने के टाइम पे, सत्ता में थे, बिल इंट्रोड्यूस करते, बिल पास होता तो एक पक्का कानून बनता था, मगर एक मामूली ऑर्डिनेंस निकाला क्योंकि उनको मालूम है 2014 में पत्ता साफ होने वाला है। वो ऑर्डिनेंस जब गया हाईकोर्ट में तो नहीं टिका, हाईकोर्ट ने बोला रिजर्वेशन दे सकते हो एजुकेशन में, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। अरे हम लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है आपको, असेंबली में आप सुन लेना, मराठाओं को रिजर्वेशन आप दे रहे हो दो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर जब सबका साथ सबका विकास है तो इनको भी रिजर्वेशन दो। हर माँ बाप चाहते हैं, वारिस पठान अपने बेटे के लिए तो रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है ना, मैं वो माँ बाप के लिए मांग रहा हूँ जिनका अरमान है कि हमारा भी बेटा हमारी भी बेटी आईपीएस ऑफिसर बने आईएएस ऑफिसर बने, कांधे से कांधा मिलाकर काम करे, राज्य को मजबूत करे, देश को मजबूत करे। क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ, फिर क्यों बेइंसाफी हो रही है हमारे साथ? और सेक्युलरिज्म का दूसरा पार्ट, वो तो जो इम्पोर्टेंट है सबसे बड़ा, जो पूरे देश ने देखा, आपने भी देखा, वो तो मेरे साथ हुआ ना, आपको मैं बताता हूँ सेक्युलरिज्म का जो चेहरा ओपन हुआ तो मेरे साथ हुआ साहब। महाराष्ट्र के असेंबली मार्च में क्या हुआ मुंबई में, मुझे बीजेपी वाला बोलता है, आपको राम कदम मुझे बोलता है,
तुमको यहाँ बैठना है ना, बोला क्या हुआ, भारत माता के ऊपर स्लोगन बोलना पड़ेगा, एक बार बोला, मैं बोला नहीं बोलता, अभी कितनी बार होता है सामने से बात, दो बार बोला, राम कदम परसिस्टेंटली खड़े होके बोलो नहीं तो तुम गद्दार है बाहर जाओ, तब चिल्ला के बोला जाओ नहीं बोलता मैं, संविधान में किधर लिखा है मुझे बोलने के लिए, नहीं लिखा है कहीं भी, कौन सा कानून बोलता है कि मुझे असेंबली में स्लोगन हियरिंग करना चाहिए, कोई कानून में नहीं है, मगर ताज्जुब साहब ये हुआ, मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ ये है कि सबसे पहले मेरी सस्पेंशन का जो मांग किया था वो ये कांग्रेस एनसीपी वाले थे, अफसोस हो गया मेरे को क्या ये लोग, इन्होंने मांग किया, बीजेपी शिवसेना ने बोला वेलकम, दोनों ने मिलकर मेरे को सस्पेंड किया, पूरे देश ने देखा कि अपने आप को जो सेक्युलर बोलते थे ये किस तरह की आइडियोलॉजी को मानते थे, इनका वाइस प्रेसिडेंट जंतर मंतर पे कुछ और बोला था, और यहाँ के एमएलए ने मेरा सस्पेंशन की डिमांड किया, कौन है एंटी सेक्युलर आप देख सकते हो, और साहब अभी बात तो क्या हो गई कि अगर मुझे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट लेना है तो बीजेपी शिवसेना से लेना पड़ता है, सेक्युलरिज्म का लेना है तो कांग्रेस राष्ट्रवादी से लेना पड़ता है, 70 साल की आज़ादी के बाद मुझे ये देखना पड़ रहा है मेरे देश में, जबकि इस देश पे जितना आपका के उससे ज़्यादा मेरा, क्या आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि मैं वो हूँ, हम लोग वो है जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकराया था, और वी आर हियर बाय बर्थ एज वेल एज बाय चॉइस, तो क्यों हमारे साथ ये, बीजेपी के अगेंस्ट बोला वारिस पठान एंटी नेशनल, कांग्रेस के अगेंस्ट बोला तो सेक्युलर नहीं, डेवलपमेंट की बात करो ना, विकास की बात करो, आज मुंबई कहां से कहां जाना चाहिए था, कहां पे तुमने फेंक दिया, मुंबई के ऊपर आना है, मुंबई के ऊपर आना है, लेकिन एक बात आपने फतेह की है वो है माइनॉरिटी रिजर्वेशन, मुस्लिमांना शिक्षणामध्ये 5% आरक्षण मागच्या सरकारनं देऊ केलं होतं, तसं ते आरक्षण दिलंसुद्धा, निर्णयसुद्धा झाला, कोर्टानंसुद्धा शिक्षणामधलं 5% मुस्लिमांचं आरक्षण मान्य केलं, ग्राह्य केलं आणि सरकारला सांगितलं की या निर्णयाची तुम्ही अंमलबजावणी करा, पण राज्यात त्यानंतर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारनं अजूनही मुस्लिमांना 5% आरक्षण लागू केलेलं नाही शिक्षणात, हो शिक्षणात आरक्षण द्यावं असा अहवाल हा अनेक कमिट्यांचा आला, खास करून महमूदुर रहमान कमिटी तिचा अहवाल होता आणि त्या आधारेच ते दिलं गेलं होतं, या मुद्द्यावरती आपल्याला चर्चा करायची आहे, कारण हा एक कळीचा मुद्दा आहे जिथं सामान्य मुस्लिम बांधव हा दुखावला गेलेला आहे, पण ब्रेक नंतर. ब्रेक नंतर पुन्हा तुमचं स्वागत, आपल्यासोबत एम आय एमचे मुंबईतले भायखळ्याचे खासदार आमदार ॲडव्होकेट वारिस पठाण आहेत. वारिस भाई देखो मैंने आपको खासदार भी बना दिया. देखो तो आमदार वारिस पठाण, आपसे यही पूछना है, भाजप असं म्हणते की आम्ही धर्माच्या आधारावरती रिझर्वेशन देत नाही, त्यामुळं मुस्लिमांना शिक्षणामध्ये 5% आरक्षण आम्ही देऊ शकत नाही असं जरी उघडपणे सांगत नसलं तरी खासगीत भाजपचे नेते हे सांगतात. तुम्हीसुद्धा आणि काँग्रेसचे राष्ट्रवादीचे नेतेसुद्धा हा आग्रह देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे धरत नाही आहात हाऊसमध्ये सुद्धा, की आम्हाला हायकोर्टानं ग्राह्य धरलेलं 5% आरक्षण शिक्षणातलं तुम्ही लागू करा, लागू केलं तर किती फायदा होईल, पण तुम्ही तसं करत नाही आहात, तुम्ही तो प्रश्न रेटून धरत नाही आहात. आपने अभी तक जितनी भी असेंबली के सेशन हुए जब से हम लोग आए 2014 से, हर सेशन में कोई भी एक ऐसा सेशन खाली नहीं गया है जिसमें हमने रिजर्वेशन का डिमांड नहीं किया. हर सेशन में हमने कहा है कि जो भी हाईकोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिया है कि 5% रिजर्वेशन आपको एजुकेशन में देना चाहिए, कमिटी का रिकमेंडेशन है, आप दो, सरकार नहीं देती है. देवेंद्र फडणवीस सरकार जो है उनकी नीयत ही नहीं है देने का रिजर्वेशन, उनकी नियत में है नहीं. हमने यहां तक खड़े होकर कहा है कि साहब आप मराठाओं को रिजर्वेशन दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर साथ में साथ जैसा मैंने आपको अभी बताया, सबका साथ सबका विकास करने वाली अगर सरकार है, अगर अपनी बात पे मानती है तो हमको भी रिजर्वेशन दो, हमारे भी बच्चों को तालीम हासिल करने दो. और कमिटी का रिकमेंडेशन नहीं मान रहे आप, हाईकोर्ट ने बोला उसकी बात को नहीं मान रहे आप, सरकार चुप्पी साधे हुए नहीं देती है, नियत में खोट है ना, इनकी नियत में खोट है और ना कांग्रेस और राष्ट्रवादी की नियत साफ थी. उनकी नियत अगर अच्छी होती तो 15 साल सत्ता में थे क्यों नहीं दिए, कमेटी का रिकमेंडेशन तो कब से चल रहा है, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट कब से आ गया, कमेटी का रिपोर्ट आ गया, कुंडू कमेटी का आ गया, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट आ गया, और हर रिपोर्ट में ये लिखा है सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, इनको देना चाहिए, नहीं देते ऐसा. अब देखो हकीकत तो बात एक है कि कुछ कुछ एरिया को टोटल निग्लेक्ट भी किया गया है,
जहाँ पर बैंक्स भी नहीं है, कुछ मार्जिनलाइज एरिया ऐसे थे बैंक्स नहीं है, बैंक है तो एटीएम नहीं है, एटीएम है तो पैसा नहीं है, लोन रेड जोन डिक्लेयर कर देते हैं कभी कभी, लोन नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ों को हटाना है। और हम लोग बोलते हैं कि हम सबके साथ है, सबके काम की बात कर, अगर मैं सर रास्ता बनाता हूँ, अच्छा रास्ता डेवलपमेंट करता हूँ, एक ही लोग तो नहीं चलेंगे ना उसमें, सब हमारे भाई चलेंगे, सब मिलकर चलेंगे। अगर मैं ड्रेनेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता हूँ मुंबई में, तो मैं सिर्फ पर्टिकुलर लोगों के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, सबको अच्छा पानी मिलेगा, हॉस्पिटल में सब इलाज करेंगे, स्कूल खाली, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ ही लोग आएंगे, सब आएंगे। तो हम लोग बात करते हैं सबके डेवलपमेंट की बात, तो हमारे पे इल्ज़ाम धरे जाते हैं बेबुनियाद है, लेकिन ये सब इल्ज़ाम बनकर। सर, हमारा औरंगाबाद का रिपोर्टर है अमय पाठक, वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। पूछो हमें विचार सर, मला एक हाँ सर, सर मला तीन प्रश्न विचारायचे होते। मुंबई, नांदेड, औरंगाबाद शहर सारख्या शहरांमध्ये तुम्ही एमआयएमनी जरी पाय रोवलेले असले, तरी ग्रामीण भागातला जो मुस्लिम मतदार आहे तो अजूनही एमआयएम कडे पाहिजे तेवढा आकर्षित झालेला नाहीये, एमआयएम कुठे कमी पडतंय? दुसरी गोष्ट म्हणजे जे दलित मतदार आहेत, नेहमी दलित मतदारांनी एमआयएमला पाठिंबा दिलेला बघायला मिळतोय, औरंगाबाद मधल्या 25 पैकी 5 नगरसेवक दलित आहेत, 2 नंबरला जर बघितली मतदारांची संख्या तर ते दलित मतदार आहेत, मग असं असताना कुठलाही दलित चेहरा एमआयएम कडून पुढे काय येत नाहीये, मीडिया समोर काय येत नाहीये, किंवा अशा प्रकारचं स्टँड मिळत नाहीये, अशी कुजबूज जी आहे ही राजकीय वर्तुळात बघायला मिळते। तिसरा प्रश्न असा आहे की सत्ता केंद्रित राजकारण औरंगाबाद मध्ये केल्या जातं एमआयएम कडून असं म्हटलं जातंय, कारण युतीला जाहीर पाठिंबा असो, स्थायी समितीमध्ये उमेदवार उभं न करणं असो एमआयएम कडून, असे अनेक मुद्दे आहेत ज्याच्यामुळे सत्ता केंद्रित असं एमआयएमला म्हटलं जातंय, ज्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गटबाजी ही औरंगाबाद मध्ये झालेली आहे, यावरती नेमकं काय म्हणाल? देखो, औरंगाबाद में हम लोगों ने 2014 में इलेक्शन लड़ा कॉरपोरेशन का, तो उसमें 24 कैंडिडेट हमारे चुन के आए, 8 दलित भाई हमारे चुन के आए, तो हमारा नारा था जय भीम जय भीम। अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है विश्व रत्न सुवर्ण रत्न, उन्होंने संविधान दिया देश को, आज उन्हीं के लोगों की हालत आप देखो देश में क्या है। तो ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े कि हमको भी विकास करना है, हम उनके साथ में आए और एक आवाज़ बन के उभरे औरंगाबाद में। अब महाराष्ट्र में भी आप देख लो, वहाँ भी 64 नगर सेवक आए, तो कहीं भी कोई पीछे नहीं गया है, दलित सामने कोई नहीं आया, वो ये पूछ सामने सामने भी आए ना, अभी जीते जब इलेक्शन में खड़े हुए तो सामने थे ना, और जब जीते भी अभी 64 के अंदर भी काफ़ी हमारे दलित भाई चुन के आए, तो सामने ही है ना, पीछे तो घर में बैठ के तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, पब्लिक के सामने आए, चुनाव लड़ा, जीते। और जो उन्होंने कहा कि ग्रामीण भाग में कुछ जो माइनॉरिटी के लोग हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, साहब ये बात 100% राइट नहीं है, ध्यान दे रही है पार्टी, पर क्योंकि एक ही एमएलए है, अब कुछ कॉरपोरेटर है, और जैसा जैसा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा महाराष्ट्र में, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बढ़ेगा, आप भी देखोगे, सब तरफ जाएंगे हमारे, कि हमको पूरे राज्य को मजबूत करना है, पूरे राज्य में जहाँ जहाँ लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है अब तक साहब, उस बेइंसाफी को ख़त्म करना है, और पूरा राज्य का लोग आज एमआईएम को एज एन ऑल्टरनेटिव पार्टी देख रहा है, कि जो कांग्रेस राष्ट्रवादी समाजवादी करते थे, आज उनको ऐसा लग रहा है नहीं, इनको आजमाया, इन्होंने कुछ नहीं किया, एमआईएम को आजमाएंगे, और एमआईएम इंशाल्लाह आपका काम करके दिखाएगी। उसका तीसरा क्वेश्चन ये था कि आप सत्ता पसंद हो, आप सत्ता के इर्द गिर्द घूमते हो। पहले सत्ता के इर्द गिर्द क्या, लोगों का काम करने के लिए आए, जनता जनार्दन है, जनता इंटेलिजेंट है, वोटर आज का इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि अगर मैंने जीता के लाया हो, कंधे पे बिठाना जानता हूँ तो कंधे से उतारना भी जानता हूँ, तो अगर मैंने वोट दे के इसको जिताया, काम नहीं करेगा जो भी, तो साफ जनता उसको उठा के फेंक देंगे। यानी ग्रामीण मतदार काम करेंगे हम लोग, यानी ग्रामीण भागातला मतदार, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ग्रामीण की भी बात कर रहा हूँ, शहर की भी बात कर रहा हूँ, अर्बन रूरल सबकी बात, हर इंसान यही सोचता है कि मैंने अगर इस उम्मीदवार को जिताया हो तो मेरे काम के लिए, और अगर ये मेरी जुबान नहीं बना, ये मेरा काम नहीं किया, तो अगले चुनाव में वो नहीं आएगा। और एमआईएम आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी, इसी बुनियाद के ऊपर आज पिछले 60 साल से हम हैदराबाद में कायम रखे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर अब महाराष्ट्र में भी पूरी तरह कामयाब होंगे, और बहुत जल्दी यूपी का भी चुनाव चल रहा है, वहाँ भी कामयाब होंगे। सर, माझा एक प्रश्न है, तुम्ही आता सांगितलं की बाबासाहेबांच्या जे दलित लोक आहेत बरोबर, तर बऱ्याच वेळा राजकारणामध्ये त्यांचं नाव घेऊन राजकारण केलं जातं, तर एमआय सुद्धा
हा बाबासाहेबांचं नाव घेऊन राजकारणासाठी दलितांना आकर्षण करण्याचा प्रयत्न करतं का, याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? नाही, आकर्षण करायचे प्रयत्न नाही, आम्ही सगळं मिळून एकत्र होऊन राज्याला मजबूत करायचा प्रयत्न करतात. डेव्हलपमेंटचं काम करायचे, त्यांच्याशी आजपर्यंत विश्वासघात केलाय लोकांनी, तर त्याला हे असं वाटतं की एम आय मसी पार्टी आहे की जे आम्ही दोघं एकत्र होऊन हम पे भी जुलूम हुआ 70 साल से उन पे भी जुलूम हो रहा है, तो दोनों अगर मिल जाते हैं तो मजबूती के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ सकते. ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारा हक मांग रहे हैं हम. 70 साल तुमने बोला, हमने सुना, हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा. तो ये आवाज़ है हमारी, ये जज्बा, ये मेरी नहीं, लोगों के दिल की बात है जो हम लोग बेधड़क दुनिया के सामने बोलते हैं, सरकार को बोलते हैं और सरकार के कान तक पहुंचाते हैं बात, और सरकार को मनवाते हैं कि आप ये काम करो. इतने साल से सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए आपको सत्ता में नहीं लाए, लोगों ने विश्वास के साथ आपको लाया, तो आपको काम करना पड़ेगा. और अब पुढच्या भागामध्ये आपण एम आय एमची आयडियोलॉजी आणि एम आय एमचं पिकअप्स, म्हणजे जसं की वारिस पठाण हे पेशानं वकील होते किंवा इम्तियाज जलील हे हाडाचे पत्रकार होते, या दोघांना एम आय एमनं आमदार केलं, त्याचबरोबर एम आय एम तिकीट वाटपामध्ये खास करून मुंबईतही असे प्रयोग एम आय एमनं केलेले आहेत, त्यावरती बोलणार आहोत पण ब्रेकनंतर. ब्रेकनंतर पुन्हा तुमचं स्वागत. आपल्यासोबत एम आय एमचे आमदार ॲडव्होकेट वारिस पठाण आहेत. सोनाली, तुला काही प्रश्न विचारायचं? तुमच्या विधानसभेतल्या किंवा इतर ठिकाणच्या यशानंतर आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे ते मुंबईकडे. 59 उमेदवार तुम्ही दिलेले आहेत. युती तुटल्यामुळे भाजपला टक्कर देण्यासाठी एम आय एम आता उभी राहते का, हा एक प्रश्न आहे. जसं तुम्ही म्हणाले की आर एस एस आणि तुमच्यामध्ये फरक आहे, तुम्ही डेव्हलपमेंट 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 म्हणताय, तसं भाजप पण आता डेव्हलपमेंट 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 म्हणतंय, पण तुमच्या दोघांचा कम्युनल हा त्याचा बेस आहे. तर मुंबईमध्ये भाजपला टक्कर देण्यासाठी डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली दोन्ही पक्ष एकमेकांना वाढवत आहेत का, हा मला विचारायचं. भाजपला सपोर्ट करताय तुम्ही असं दिलं मला? हा, ये एलिगेशन तो मॅडम क्या बेसलेस एलिगेशन हम लोग के ऊपर इतने टाइम से चल रहे हैं. हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. अब जो बीजेपी का है, कांग्रेस शिवसेना और बीजेपी कॉरपोरेशन में थे तो रास्ते की हालत आज क्या है, रास्ते पे खड्डे नहीं है, खड्डे में रास्ते बना दिए. इतने बड़े स्कैम हो गए जिसके काफ़ी रोड के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके ऊपर भी केस हो गया. और मैंने जैसा पहले भी बताया कि जो बी टीम की जो बात होती है मैडम, ये बी टीम कौन है? कांग्रेस उनकी बी टीम है, बीजेपी की. जो मेरा सस्पेंशन मांगा उससे बड़ा बी टीम का सबूत और क्या चाहिए आपको? हम लोग देखो, दिल्ली में नहीं लड़े, झारखंड में नहीं लड़े, कश्मीर में नहीं लड़े, बिहार में स्मॉल जगह पे लड़े 6 सीट, तो हर जगह कांग्रेस तो साफ हो गया ना, तो हमारी वजह से हुई. बांद्रा वेस्ट में नहीं लड़ा, कांग्रेस हार गया. नवाब भाई के अगेंस्ट नहीं लड़ा, हार गया. मेरी वजह से हार, ये तो एलिगेशन है आपके सामने, तो मैं प्रूफ के साथ दे रहा हूँ. जब ये कांग्रेस वाले अपनी नपुंसकता को, नाकामयाबी को मानते ही नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किया. अच्छा, अगर ये काम करते इतने साल सत्ता में रह के 15 साल, तो क्या हमको जगह मिलती है आने के लिए? नहीं मिलती ना. इन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए तो लोगों ने हम पे विश्वास रखा और हमको वोट दिया, और 5.25 लाख वोट हमने 2014 में लिए. उसके बाद 26 कॉर्पोरेटर जीत के आए, 64 नगर परिषद नगर पालिका में आए, अभी मुंबई में आएंगे. तो कहीं भी गैप इनकी वजह से है. मुंबई में आप पहले कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं, और 59 जो सीट आप लड़ने जा रहे हैं उसमें से कितने सीट आप जीत सकते हैं, क्या लगता है? मैं तो बोलूँगा 59 खड़ा किए तो 59 के 59 ही मैं तो जीतने की उम्मीद करूँगा, लेकिन जो भी आए प्लस, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा की है. लोगों का विश्वास हमारे साथ है, लोगों का भरोसा हमारे साथ है. और आपको एक चीज़ जान के खुशी होगी कि हमने हमारे कैंडिडेट में लॉयर्स डॉक्टर्स है, और 2 यंगेस्ट कैंडिडेट भी हमारे पास ही है. एक हमारी बहन है लड़की, 21 साल 5 महीना कंप्लीट की. एक लड़का मदनपुरे से हमने उसको खड़ा किया है, उसकी उम्र सिर्फ 22 साल है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का हिंदुजा कॉलेज में कोर्स कर रहा है अभी. उसको हमने 2 टर्म कॉर्पोरेटर तो जीत चुका है वो, और 3rd टर्म के लिए लड़ रहा है, उसके सामने खड़ा किया है. और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आदमी जीतेगा, क्योंकि हम नया चेहरा लाना चाहते हैं. हम वो चेहरा लाना चाहते हैं जो सियासत 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 नहीं करे, डेवलपमेंट करे, काम करे, जिसको आगे बढ़ने की दिल में धड़स हो, जिसमें जज्बा हो, उम्मीद हो और यकीन हो कि मैं ये काम करूँगा, लोगों के बीच का बच्चा हो. वैसे कैंडिडेट को हमने उतारा है ताकि वो लोग यहाँ वहाँ भयक नहीं जाए और अपना फोकस रखे, काम करे और जमात का नाम रोशन करे.
सब के सब किसने काम किया शहर के लिए, चलो बताओ। ये लोग कॉरपोरेशन में थे, कुछ काम किए नहीं किए, पानी की कितनी किल्लत है अपने को, थोड़ा सा बारिश गिरता है ट्रेन बंद, रस्ते में खड्डे नहीं खड्डे में रस्ते बना दिए, ऑटो रिक्शा में साहब आपको बताऊं बांद्रा में सबर्ब्स में प्रेग्नेंट औरतों ने ऑटो में ट्रेवल करना बंद कर दिया है क्योंकि उनको डर होता है कि प्रेगनेंसी में हानिकारक है। अपन वापस टिकट पे आते हैं, टिकट जो दिए गए MIM के, उसमें कोई बिगर मुस्लिम को टिकट दिया गया है कि नहीं दिया है ना? 59 में आप देखो लिस्ट उठा के, 9 तो हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन है, 9 जन है 59 में से सिर्फ 9। अरे साहब कांग्रेस का एवरेज आप देख लो, 227 में 30 है खाली, आप देखो एवरेज वाइज तो हमने कायम किया जहां जहां हमको लगा देना चाहिए, और हमने काबिलियत को देख के दिया। हमने यूसुफ पठान का साला है क्रिकेटर का वो देख के नहीं दिया, वो लड़का काबिल है, सर्वे में आया है, काम कर रहा है, काम करेगा, तो पार्टी ने निर्णय लेके उसको दिया। हर एक शख्स को चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, उसको सिर्फ सिर्फ उसकी काबिलियत देखकर सर्वे के बाद में पार्टी ने फैसला लेकर टिकट दिया। तुम्ही म्हणता आहे सगळं बरोबर आहे तुमचं म्हणणं की तुम्ही चांगल्या लोकांना दिलेलं आहे, तुम्ही असं म्हणताय की तुमचे सगळे नगरसेवक निवडून पण येतील, ठीक आहे चांगली गोष्ट आहे, तुम्हाला विकास पण करायचा आहे, पण ह्याच्यावरती तर तुम्ही महापालिकेत सत्ता तर नाही आणू शकत, तर तुम्हाला सपोर्टला लागेल कोणाचा तरी, मग तो सपोर्ट कोणाचा घेणार तुम्ही? सत्ता में जर तुमचे एवढे नगरसेवक निवडून आले तर तुमच्याकडे सपोर्ट मागतील, मग कोणाकडे जाणार? आपली महाराष्ट्र के असेंब्ली में खाली 2 आहे ना, तुम्हाला विकास पण करायचा आहे। सिंगल आदमी ने 287 को हिला के रखा था अक्का सभा के अंदर, मेरे को तो अपने आप पे गर्व है ये बात का कि मैं डरा नहीं, हला नहीं, खसका नहीं, जो था वो था, बोला सस्पेंशन लिया लेकिन पीछे नहीं हटा वारिस पठान। 2 की भी आवाज गूंज रही है ना महाराष्ट्र में, जितने भी आएंगे कॉरपोरेशन में आप देखना जरूर बदलाव लाएंगे, और MIM के आने की वजह से आप उम्मीद रखो कि अब मुंबई बदलेगा। पर किसी ने सियासत बनाने के लिए आपके पास सपोर्ट मांगा तो देंगे आप? पार्टी फैसला करेगी राइट टाइम पे अगर सपोर्ट देना है नहीं देना। पार्टी फैसला करेगी, हैदराबाद से फैसला देगी, यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। एक गोष्ट खरी आहे की MIM आपलं अस्तित्व महाराष्ट्रामध्ये सिद्ध केलेलं आहे, खास करून मराठवाड्यामध्ये, आणि विदर्भातले जे काही मुस्लिम बहुल पॉकेट्स आहेत तिथं MIM अस्तित्व जाणवत आहे, आणि आता ह्या ज्या 10 महापालिकांच्या निवडणुका आहेत त्यामध्ये सुद्धा MIM आपली ताकद पणाला लावलेली आहे। MIM किती यश मिळतं, MIM खरा चेहरा कसा उघड होतो, लोक ते कसा करतात, किंवा MIM डेव्हलपमेंट जे म्हणतं आहे खरंच डेव्हलपमेंटसाठी MIM लढते का, हेही MIM सिद्ध करावं लागणार आहे। आज आपण खुली चर्चामध्ये इथेच थांबतो आहोत, पुन्हा उद्या भेटूया राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांच्याबरोबर। पहा फक्त महाराष्ट्रवादी।